मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा के बॉम्बे कॉलोनी में एमआईएम पार्टी के ऑफिस में 22 सितंबर को हुई मारपीट के मामले में मुंब्रा पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि ये मारपीट आपसी विवाद के वजह से हुआ है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक कडलग ने बताया है कि अकबर और बिलाल इन दोनों के बीच में पहले रास्ते पर गाड़ियों की मामूली टक्कर को लेकर मारपीट हुई थी और थोड़ी देर बाद अकबर कुछ साथियों के साथ बॉम्बे कॉलोनी में बिलाल को ढूंढते हुए पहुंच गया। उस वक्त बिलाल एमआईएम पार्टी के ऑफिस के सामने खड़ा हुआ था और अकबर और उसके साथियों ने बिलाल पर हमला कर दिया, जिसके बाद बिलाल एमआईएम पार्टी के ऑफिस में घुस गया था। इस पूरे मामले में मुंब्रा पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, मगर वहीं इस आपसी विवाद को राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश की जा रही है, मुंब्रा पुलिस ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि सैफ पठान ने इस घटना के बाद मीडिया में बयान दिया था कि जो लोग हमला किए उन लोगों का कहना है कि सैफ पठान को बुला, आज उसकी भी विकेट ले लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में मुंब्रा पुलिस ने भी बताया है कि सैफ पठान जो मीडिया में बयान दिए हैं वो झूठ है, यानी कि सैफ पठान झूठ बोल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सैफ पठान को किसी ने भी जान से मारने की धमकी नहीं दी थी, क्योंकि ये विवाद जो है सिर्फ दो लोगों के बीच का है और दोनों तरफ के लोगों का बयान जो है मुंब्रा पुलिस ने दर्ज किया है, लेकिन इस बात का जिक्र किसी ने भी नहीं किया है कि सैफ पठान को जान से मारने की बात वहाँ हुई थी। मुंब्रा पुलिस ने कहा है कि इस आपसी विवाद को राजनीतिक रंग देकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनकी भी पहचान की जा रही है और उनको नोटिस देने की भी तैयारी की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर इनके ऊपर गुनाह भी दाखिल किया जाएगा, क्योंकि दो लोगों के विवाद को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की जो तैयारी चल रही है पुलिस भी अब उनके खिलाफ एक्शन मोड में है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक कडलक ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। सर, सैफ पठान और अकबर नाम के लड़के, सैफ पठान के ऑफिस में वहाँ पर विवाद हुआ था रात के समय में, और इस पूरे मामले में आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है। सैफ पठान का यह आरोप था कि उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन बिलाल नाम के युवक पर हमला किया गया। पूरे इन्वेस्टिगेशन में इसमें क्या सच्चाई निकल कर सामने आई? उनका आरोप सरासर झूठ है। 22 तारीख को शाम को 7:30 बजे बिलाल काजी और अकबर शेख दोनों का आपस में नॉर्मल एक्सीडेंट की वजह से झगड़ा होता है। अकबर शेख कार लेके जा रहा था और बिलाल काजी अपनी बाइक पे आ रहा था, तो कुछ उन्होंने उनके एक्सीडेंट में कुछ झगड़ा हुआ। उसके बाद में बिलाल अपना बॉम्बे कॉलोनी में रहते हैं वहाँ चला आया, उसके पीछे अकबर उसको ढूंढने के लिए आया और आते आते अकबर ने उसके कुछ दोस्त और कुछ उसके भाई को फ़ोन किया और वो आए, हाथ में लाठी और कुछ सलिया वगैरह लेके आए थे। उनको बिलाल उस ऑफिस के सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया, इन्होंने जाके डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक किया, हालांकि वो सीसीटीवी में भी दिख रहा है, कुछ बातें नहीं की और उसको उन दोनों में आपस में बहुत झगड़ा हुआ। बिलाल अपनी जान बचाने के लिए अंदर भागा, ऑफिस में एमआईएम के ऑफिस में भागा। ये लोगों ने मारते मारते उसको अंदर जाके भी मारा है और बाद में पुलिस को ये मालूमात मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, तुरंत दोनों पार्टियों को एक्सीडेंट ये मारा झगड़ा होने की वजह से दोनों को बहुत लगा था और उनको हॉस्पिटल में भेजा गया। उसके बाद में उनका वह स्टेटमेंट लिया गया है। ये सिलसिले में दोनों पार्टियों की तरफ से केस रजिस्टर किया है और तीसरा केस पुलिस की तरफ से एक तीसरा केस रजिस्टर किया है। दोनों के ऊपर अभी एक्शन लिया जा रहा है, कुछ लोग इसमें अरेस्ट है और अभी उनके ऊपर कार्रवाई की है, कोर्ट में उनको लेके गए हैं रिमांड के लिए। सर, पठान का ये कहना था सर कि जो हमला किए थे उन लोगों का ऐसा कह रहे थे हमला करते वक्त कि सैफ पठान कहाँ पर है, उसे बुला, उसकी विकेट खा लेंगे, तो क्या ये बात सच है या फिर इन लोगों का कुछ आपसी विवाद है, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उसका उन दोनों का आपस में विवाद हुआ था, वो इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया, तपास में सामने आया है। बिलाल और अकबर अली शेख दोनों का झगड़ा हुआ था और उसके बाद में ये सब वाकया हुआ है।
ऐसी कोई राजनीतिक इसमें ये नहीं है, बात नहीं है। हालांकि हमने प्रेस नोट भी जारी किया था। अभी जो लोग ये राजनीतिक रंग दे के जो मुंब्रा शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर अभी हम कड़क से कड़क कार्रवाई करने जा रहे हैं। उनको नोटिस भी इशू किया जा रहा है और उनके ऊपर फिर हम एक्शन लिए जा रहे हैं। सर, इस पूरे मामले में सैफ पठान जो आरोप लगा रहे हैं उसमें मतलब कितनी सच्चाई, क्या जो दोनों तरफ से अब बयान लिया गया है तो क्या उन लोगों ने बयान में ये कहा है कि जो सैफ पठान कह रहे हैं कि विकेट खाने की बात वो करे, दोनों तरफ से बयान में उन लोगों ने ये बात बोली है? बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ के स्टेटमेंट लिए हैं, हॉस्पिटल में लिए गए, डॉक्टर साहब के सामने लिए गए हैं। उसमें ऐसी कौन सी भी बात सामने आई कि किसको मारने के लिए आए थे या किसको ये करने के लिए आए थे? वो सडनली जो एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट की वजह से ये सब वाकया हुआ है, और इसमें कौन सी भी राजनीतिक या फिर ऐसी कोई किसी को मारने वाली बात या ऐसी कोई सामने आई नहीं है, ये पूरा अभी तक साफ हुआ है।